माँ को पता लगने दीजिए कि उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का भी नहीं। मेरी पर्सनल, प्रोफेशनल, मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, सब खत्म कर दिया, सब, एवरीथिंग इज ओवर। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा है, आई हैव नथिंग। और आपको क्या लगता है कि जब मेरे कंपनी वाले को इस हादसे के बारे में पता लगेगा तो वो मुझे वापस जॉब पे रखेंगे? मयंकर, तुमसे कोई मिलने आया है? आइए बाहर। आइए। मयंक जी, कैसी कट रही है? कहीं कोई तकलीफ तो नहीं आपको? अगर कोई कमी है तो हमें बताइए। रुकिए मयंक जी, हम आपकी मदद करने आए, हमसे आपको इस दुख में देखा नहीं जा रहा है। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है चारू, ओके? तुम यहाँ से जा सकती हो, जस्ट गो। मयंक जी, आपको पता है दहेज के केस में 3 साल की सजा हो सकती है और जुर्माना अलग भरना पड़ता है। आप 3 साल यहाँ रहने के लिए तैयार हो भी जाते, लेकिन आपके मम्मी पापा का क्या? क्या वो ये दुख सहन कर पाएंगे? बेटे की काली करतूते वो क्यों भला भरे? और पत्नी का धर्म होता है कि वो पति को मुसीबत से निकाले। आप बस हुक्म करिए, हम अभी रास्ता दिखा देंगे। तुम्हारा और मेरा रास्ता ना कभी एक था और ना कभी हो सकता है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मेरा फैसला कभी नहीं बदलेगा। चाहे दुनिया यहाँ की वहां जाए, लेकिन ये तलाक होके रहेगा, समझी? आप हमें आकर दिखा रहे? हमें तलाक देंगे चारू को? आपने अपनी मौत का गड्ढा खुद खोदा मयंक जी। अगर हमने अपनी कंप्लेंट वापस नहीं ली ना, तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है? तलाक तो बात की बात है, उससे पहले हम आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, कहीं का नहीं। कहीं का तो मैं वैसे भी नहीं रहूंगा चार, जब तक मुझे तुमसे और इस रिश्ते से छुटकारा नहीं मिल जाता। तुमने मुझे जितना मर्जी ब्लैकमेल करना हो ना, कर लो, लेकिन तुम्हारे साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकता। एंड इट्स ऑल ओवर फॉर मी, द एंड, ओके? देखते हैं किसका द एंड होगा, हमारा एंड होगा या आपका। एक सेकेंड, और बाकी रही 3 साल इस जेल में रहने की बात, राइट? तो उसका मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ से मैं कुछ ना कुछ करके बाहर निकल जाऊंगा, और मेरे साथ मेरी माँ और मेरे पापा भी। और तुम कौन से दूध की धूली हो? रचना के साथ जो तुम करने जा रही थी वो सबको मालूम है, इसीलिए ज्यादा बेचारी बनने का नाटक मत करो। मुजरिम तुम हो, इस जेल में तुम्हें रहना चाहिए, मुझे नहीं। यू गेट इट? नो, आई डोंट गेट इट। और हम चाहे ना आपके पूरे परिवार को जिंदगी भर के लिए जेल में बंद करवा सकते हैं। हम कोई मुजरिम नहीं है, हम कोई मुजरिम नहीं है। क्या कह रहे हैं वकील साहब, जमानत मुमकिन नहीं? सारे के सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं, झूठे हैं। हमारे यहां बेटी और बहू एक समान है, और कानून भी किस लड़की की बात पर यकीन कर रहा है जिसने होली में सरेआम हमारी बेटी के चेहरे को खराब करने की चाल चली थी? देखिए दयाल साहब, समझने की कोशिश कीजिए, ये केस बहुत पेचीदा है। मैं आपको बता दूं, ये दहेज का केस इतनी टेढ़ी खीर होता है कि इसमें सिर्फ लड़की और उसके परिवार की सुनी जाती है, और इस केस में तो लड़की के जलने का भी इंसिडेंस है। आई एम वेरी सॉरी टू से दयाल साहब, ये केस अभी लंबा चलेगा। और रहा सवाल जमानत का, तो वो अभी तो पॉसिबल नहीं लगती मुझे। वकील साहब,
असली मुजरिम सरेआम बाहर घूम रहा है और हम बेगुनाह की कोई पूछ ही नहीं है। लेकिन दयाल साहब, दयाल कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ? क्या कहेंगे बताइए भी, कुछ हो सकता है कि नहीं? वकील का कहना है कि ऐसे केसेस में जमानत मिलने में बहुत मुश्किल होती है। और उससे भी बुरी बात यह है कि इन केसेस में लड़की के बयान की ज्यादा अहमियत होती है। हमारा पलड़ा बहुत कमजोर है। यानी कि अब कोई रास्ता नहीं है? जो भी कर सकती है शायद वो चारू ही कर सकती है। चारू? कैसे भाई साहब? अगर वो अपनी शिकायत वापस ले ले तो प्रभु, सीमा और मयंक छूट सकते हैं। वरना कोई उम्मीद नहीं। वो तो होने से रहा भाई साहब, सुबह से उनके घर वालों को फोन किए जा रहे हैं लेकिन कोई जवाब ही नहीं। यहां तक कि संगीता उनके घर तक मिलने भी गई लेकिन बाहर कोई मिलने तक नहीं आया। अब कौन आया इस वक्त? मैं देखती हूं। हाँ हम। बाप रे, बस अंगारे बरसने की देर है, सबके चेहरे से गुस्सा टपक रहा है। और सब हमसे गुस्सा क्यों ना हो, इस घर की बहू ने अपने पति, सास और ससुर को जेल में जो पहुंचा दिया, लेकिन कभी भी आप लोगों ने ये सोचा कि हमने ऐसा क्यों किया? उसके पीछे वजह क्या थी? हमें किसने इतना मजबूर किया ये सब करने पे? कभी बिल्ली को अपने बच्चे के साथ देखा? कि उसे हाथ लगाए उससे पहले वो पंजा मार देती है। हमने भी बस वही किया। नहीं चारू, तुमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बिल्ली के मन में भी प्यार और रक्षा की भावना होती है जो तुम्हारे अंदर रत्ती भर भी नहीं। तुम तो मैं भैया से प्यार ही नहीं करती। अगर करती होती तो उन्हें और उनके घर वालों को ऐसे चोट नहीं पहुंचाती, कभी तकलीफ नहीं देती। चाची जी तुम्हारे आगे पीछे घूमती थी, तुम्हारा कितना ख्याल रखती थी, हम सब तुम्हें कितना प्यार करते थे, और तुमने आज ये किया? इतनी निष्ठा पर उतराई तुम
दोषी के साथ जो भी हो उससे भी जुर्माना भरना पड़ता है। और रही बात तुम्हारे प्यारे भाई की, तो उनसे हम प्यार कैसे करें? उनका दिल तो कहीं और अटका हुआ है, इस घर में तुम्हारी बहन पे। चारू, बस बहुत हो गया, नहीं सुननी हमें तुम्हारी ये बकवास। बेहतर होगा जाओ यहां से तुम। रचना, अपने प्यारे भाई से कह देना जब तक वो डिवोर्स केस वापस नहीं लेंगे हम भी अपना केस वापस नहीं लेंगे। बंद करो ये सब और फौरन इस घर से निकल जाओ। हमें तुम्हारे किसी भी मदद या किसी सलाह की जरूरत नहीं है चारू, निकल जाओ इस घर से। हमारे नहीं हो सकते तो वो किसी के नहीं हो सकते। अच्छा है जिंदगी भर जेब में चाकी पीसे। गुंजन, पढ़े लिखे लोग, अच्छे घर के लोग ऐसा कर सकते हैं? मुझे तो दुख से ज्यादा गुस्सा आ रहा है उस पर। उसकी हिम्मत तो देखो, बीच रात यहाँ चली आई, हम सबको धमकाने, अपनी शर्तें रखकर चली गई। समझती क्या है वो अपने आप को रचना? यही चारू की असलियत है गुंजन, खटिया, खुदगर्ज, बदतमीज। सच कहे तो हमें उसकी हरकत पे कोई हैरानी नहीं हुई। पता है मेरा तो मन कर रहा है पुलिस में उसकी रिपोर्ट कर दूं मैं। गुंजन, अब बस मयंक भैया, सीमा चाची और प्रभु चाचा को कैसे भी करके बाहर निकालना है। भगवान करे वो जल्द से जल्द घर लौट जाए। वकील जी की बातें सुनकर तो हमें और डर लगने लगा है, पता नहीं क्या होगा। डरो मत रचना, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। तुम देखना, अंकल, आंटी, मयंक सब सही सलामत घर वापस आएंगे। हम जानते थे कि अगर हम आपको कुछ बताएंगे तो आप बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगे। आपकी लाडली बेटी के साथ ऐसा सलूक हो रहा था। चारू, इतना सब कुछ हो गया क्या मयंक को किसी ने कुछ नहीं कहा? नहीं पापा, मयंक जी से किसी ने कुछ नहीं कहा, ना ही उन्हें कुछ समझाया। मयंक जी किसी की नहीं सुनते, बस अपनी मर्जी की चीजें करते हैं। और देखिए ना, सबकी आंखों के सामने उनका उस गुंजन से चक्कर चल रहा है। हम दिन रात भगवान से प्रार्थना करते रहते कि मयंक जी की अकल ठिकाने आ जाए, वो ठीक हो जाए। लेकिन नहीं पापा, वो ठीक नहीं हो रहे। उन्होंने कभी हमें अपनी पत्नी नहीं माना। और ये देखिए उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया। वो तो भगवान का आशीर्वाद था कि हमारी जान बच गई। नहीं तो आप उनके इरादे जानते ही है ना। उनकी इतनी हिम्मत, मैंने क्या सोचकर उस खानदान में तुम्हारी शादी की थी और वो लोग क्या निकले? वो तो अच्छा हुआ तुम्हारी मम्मी सही वक्त पर वहां पहुंच गई। अब सड़ने दो उन्हें जेल के अंदर, अपने आप उनका दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। और ऐसे ससुराल में रहने से तो तलाक देना अच्छा होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? शादी को अभी एक साल नहीं हुआ और बेटी को तलाक हो गया? सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे हमारे बारे में। हमारा तो कहना है कि उस लड़की को उस घर से निकलवा दीजिए, सारी मुसीबत की जड़ ही निकल जाएगी। हमें पूरा यकीन है कि इतना सब कुछ होने के बाद उसे लोग उस घर में रहने नहीं देंगे, निकाल देंगे उसे। हमारी मानिए, कुछ भी कीजिए, अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, लेकिन इसके सास ससुर और मयंक की जमानत मत होने दीजिएगा। तब देखिएगा कैसे ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा।
ठीक है, ये भी कर देख ले। और अब हमने ठान लिया है कि जब तक इसके ससुराल वाले हमारे सामने आकर अपनी नाक ना रगड़ लेना, तब तक हम ये केस वापस नहीं लेंगे। थैंक यू पापा। पहले भी आप ही का सहारा था भगवान, अब इस मुश्किल से आप ही हमें बाहर निकालो। ऐसे दिन इस घर पर तो क्या किसी दुश्मन के घर पर भी ना आए, बस हमारी मदद करो, हमें संकट से बाहर निकालो भगवान, हमारी मदद करो। मम्मी हम आपकी मदद कर दें? नहीं बेटा, हम कर देंगे। नहीं मम्मी, आप अकेले कितना करेंगे? लाइए हमें दे दीजिए। ठीक है, ये सब्जी काट दो। शादी के इतने सालों में तुम्हारे पापा को इतना परेशान हमने कभी नहीं देखा। हम जैसे मध्यम परिवार के लोगों के लिए पुलिस का आना कोई सोच भी नहीं सकता था। धन पैसा सब एक तरफ है, हमारे लिए हमारी इज्जत ही सबसे बड़ी चीज है, और अगर उस पर आंच आ जाए तो फिर कुछ भी मायने नहीं रखता। हाँ मम्मी, पापा ने आज तक कभी किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया, लेकिन बेचारी गुंजन इस सब में फंस गई। चारू ने कितनी चालाकी से उस पर सारा इल्जाम डाल दिया, पूरे घर पे कीचड़ उछाल कर चली गई वो। मौसी जी, आज इतनी सुबह सुबह आप खाना कैसे बना रही हैं? हाँ बेटा, हम मयंक प्रभु और सीमा के लिए खाना लेकर जा रहे हैं। पता नहीं जेल में उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं। मौसी जी, मैं भी आपके साथ चलूं प्लीज? नहीं बेटा, तुम रहने दो। प्लीज मौसी जी, आने दीजिए ना। अच्छा ठीक, चलो। ठीक है मौसी जी, मैं बस तैयार होकर आती हूँ। बंद करो ये रोना धोना, अब पहले ही हम कम परेशान हैं, तो तुम्हारा ये रोना भी सुने। क्या है ये, क्यों चिल्ला रहे हो सब? सॉरी। इंस्पेक्टर साहब, हमें प्रभु गर्ग और उनके परिवार से मिलना है। जाइए, मिल लीजिए।